सुबह मैंने आपको बताया था वोटिंग ट्रेंड कि आखिर क्या चल रहा है और कौन आगे है कौन पीछे है। जी हाँ, यानी कि वोटिंग ट्रेंड्स में किसका नंबर सबसे टॉप पर है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कई सारे शिफ्ट्स आ चुके हैं। जी हाँ, वोटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यानी कि ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स अलग थे, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स जो अब आए हैं वो काफी डिफरेंट आए हैं। जी हाँ, हालांकि फर्स्ट और लास्ट सेम है, लेकिन बीच के जितने लोग हैं सब ऊपर नीचे हो गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। मैंने आपको जब सुबह बताया था वोटिंग ट्रेंड, तो उस वक्त नंबर 7 पर थे साजिद खान, नंबर 1 पर थी प्रियंका चहल चौधरी, और अभी भी यही दो लोग बरकरार हैं। नंबर 1 पर है प्रियंका अगेन और नंबर 7 पर साजिद टिके हुए हैं। यानी कि जनता दिलो जान से चाहती है, ताबड़तोड़ तरीके से जनता वोट नहीं कर रही साजिद को और उन्हें शो से बाहर निकालना चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर साजिद के निकलने की बात आई तो फिर शायद मेकर्स इस बार भी कोई एलिमिनेशन नहीं करेंगे, हालांकि मेरे हिसाब से मेकर्स को एलिमिनेशन करना चाहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि जैसा मैंने कहा, नंबर 7 पर है साजिद खान, नंबर 6 पर है टीना दत्ता। इसके पहले नंबर 6 पर टीना नहीं थी, शालीन थे नंबर 6 पर। नंबर 5 पर है शालीन भनोट। जी हाँ, यानी कि टीना और शालीन में शालीन ऊपर चले गए हैं, टीना नीचे आ गई हैं। सुम्बुल तौकीर खान 4th पर थी, 4th पर ही हैं। नंबर 3rd पर थे एमसी स्टैन, लेकिन अब शिव ठाकरे नंबर 3rd पर आ गए हैं। शिव ठाकरे फैंस के लिए ये हैरानी वाली बात होनी चाहिए। देखो, दोस्ती अपनी जगह, आप भी जानते हो प्रियंका और अर्चना की दोस्ती अपनी जगह, सौंदर्य और प्रियंका अर्चना की दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जहां पर गेम की बात आती है तो प्रियंका के फैंस को क्या अच्छा लगेगा कि अर्चना के वोट्स ऊपर चले जाएं और सौंदर्य ऊपर चली जाए। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन शिव का गेम खराब हो रहा है फॉर श्योर साजिद और स्टैन की वजह से। निमृत एक अच्छा एडिशन है, अब्दू का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो गेम में है नहीं है, वो इक्वल है। उसी के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि शिव के लिए ये बहुत बड़ा डीमेरिट साबित हो रहा है स्टैन का उनके साथ रहना और साजिद का उनके साथ रहना, क्योंकि ऑडियंस के लिए वो दोनों लोग घर के अंदर कुछ ना करते बराबर हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ज्यादा। स्टैन खुद बार बार ये कहते हैं कि हम तो शिव को ही जिताएंगे, हम तो शिव को ही वोट करेंगे। तो आपको अगर सपोर्ट ही करना है तो आप एज अ कंटेस्टेंट क्यों एक डिजर्विंग कैंडिडेट की जगह खा रहे हो? आपकी जगह गौतम सिंह विग हो सकते थे घर के अंदर, लेकिन गौतम सिंह विज हो सकते थे घर के अंदर, लेकिन क्योंकि आप घर के अंदर हो तो आपकी वजह से एक अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर है। ऐसे में स्टैन को मेरे हिसाब से बाहर रहकर शिव को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि घर के अंदर कंटेस्टेंट बनकर। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा, 7th पर साजिद, 6th पर टीना, नीचे से मैं बोल रही हूँ, 5th पर शालीन, 4th पर सुम्बुल, 3rd पर शिव ठाकरे, 2nd पर एमसी स्टैन और 1st पर प्रियंका चहल चौधरी। ये वोटिंग ट्रेंड्स है इस वक्त के, आने वाले वक्त में और बदलाव होगा। आपको इस पर क्या है कहना बताइएगा।